तलमीह किसे कहते हैं? आपको अफसर मेरठी की नज़्म का ये मिसरा खूब याद होगा, खिज़र का काम करो रहनुमा बन जाओ, खिज़र का काम करो रहनुमा बन जाओ। या फिर गालिब के गज़ल का ये शेर भी अच्छे से जहन में होगा, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हो। अब यहाँ पे गौर करने की जो बात है वो ये है कि इन दोनों मिसालों में लफ्ज़ खिज़र और नमरूद आए। हज़रत खिज़र के बारे में मशहूर है कि वह भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, और नमरूद एक बादशाह का नाम है जिसने अपने दौर में खुदाई का दावा किया। जब तक कि उसके बारे में ये ना मालूम हो कि शेर का मफहूम वाज़े नहीं हो सकता। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़े, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमीह कहते हैं, जिसमें कोई तारीखी वाक़े का जिक्र हो। तलमीह के इस्तेमाल से शेर में एक बड़ा मजमून मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान हो जाता है। तलमीह की कुछ और मिसालें दर्द झेल हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दर्द की दवा करे। इब्ने मरियम जो है ईसा अलैहिस्सलाम थे, जो क्या नाम है, जो वो थे ठीक कर दिया करते थे। और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया जामे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा। जामे जम वो था जिसमें सब कुछ बता, लाजिम नहीं सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी शेर करें कोहे तूर की। कोहे तूर भी जो है मूसा अलैहिस्सलाम बात करने जाते थे। न गोरे सिकंदर नहे कब्रे दारा, मिट्टी नामियों के निशा, मिटे नामों के नामियों के निशा कैसे, यानी जो बड़े बड़े नामवर थे उनके भी निशान। तो इसमें सब में तारीख की वाक़ात का जिक्र होता है, उसे ही हम सनत तलमीह के नाम से जानते हैं। अगर आप उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया।